जी क्लास, अब सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि पहले आप Z1 को Z2 से डिवाइड करें और जो रिजल्ट है उसका कॉन्जुगेट लें, और राइट हैंड साइड पर आप पहले दोनों के अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट लेंगे और देन आप उन कॉन्जुगेट्स को आपस में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले Z1 ओवर Z2 मालूम करने जा रहे हैं। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, हम Z1 की जगह क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस आयोटा, और हम Z2 की जगह क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस आयोटा। फिर आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जब कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करवाते हैं तो उनको डिवाइड करवाने के लिए आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। आज इस फ्रैक्शन को हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस आयोटा, वॉट विल बी इट्स कॉन्जुगेट, 1 प्लस आयोटा। तो हम यहां लिख रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, Z1 ओवर Z2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टेप पिछले स्टेप के एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी आप चाहें तो 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से कैंसिल कर दें और आप वापस यहीं पहुंच जाएंगे। बट हमें यहां इसकी नीड है, और अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ये क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम बेसिस हैं, ठीक। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी कि यहां पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस b a प्लस b का। a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और याद रखिएगा एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन के बाद आप साइड में फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहां पर ऊपर तो आप ए प्लस बी के और स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पावर ब्रैकेट के अंदर नहीं आ सकती, यहां पर आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, 1, तो शुरू के दोनों ब्रैकेट्स में 1 आ जाएगा, और बी का मतलब क्या है, आयोटा, आखिर के दोनों ब्रैकेट्स में आयोटा आ जाएगा, और यहां 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन के बाद आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर आपने आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख दिया। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, और प्लस साइन के बाद आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, उसके बाद 1 प्लस 2 आयोटा एज इट इज, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1। तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, डिवाइड बाय 2, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, और फिर आखिर में 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यूं हमारे पास सिर्फ आयोटा आएगा। यानी कि 1 प्लस आयोटा को जब हमने 1 माइनस आयोटा से डिवाइड किया तो जवाब में हमारे पास सिर्फ क्या आया, आयोटा आया, और आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, और आपको पता है जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें इमेजिनरी पार्ट का ही तो साइन चेंज करना होगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लेते हैं, टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2। जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 क्या बनेगा, माइनस आयोटा, और यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब मुकम्मल हुआ। अब बारी है राइट हैंड साइड की। जी टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमसे कहा जा रहा है कि हम पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इनके अलग अलग कॉन्जुगेट मेंशन कर देते हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ये हमने यहां पर कॉन्जुगेट मेंशन कर दिए, और अब सिंपल हमने इनको डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास हेडिंग आएगी, टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर
कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू। और अब हम इनके इनको यहां लिखकर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जी। जेड वन बार क्या है? वन माइनस आयोटा। जेड टू बार क्या है? वन प्लस आयोटा। और जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे लिखते हैं। तो हम यहां क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वन माइनस आयोटा, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है। डिनोमिनेटर क्या है? वन प्लस आयोटा। और कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो वन प्लस आयोटा से वन माइनस आयोटा हो गया। और अब हम क्या करने वाले हैं? Z1 बार ओवर Z2 बार विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय भी 1 माइनस आयोटा। अब आप देख सकते हैं ऊपर 1 माइनस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो आपने लिख दिया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से लग रहा है। यानी कि 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहां पर, अब इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आप पावर को तो ब्रैकेट के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स के दरमियान में माइनस साइन। पावर की एंट्री सिर्फ उस वक्त अलाउ जब वैल्यूज के दरमियान में मल्टीप्लाई और डिवाइड का रिलेशन हो। तो यहां पर भी इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखें तो यहां पर हमें काफी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ी है, तो मैं यहां पर एक जगह पर एक विंडो में फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम्स में आपके फॉर्मूले शो करने होते हैं। तो यहां पर हम इसके ऊपर लिख देते हैं कि हम यहां पर यूजिंग फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो जो फॉर्मूले हमने सवाल को करने में इस्तेमाल किए। तो एक फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो के बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और एक फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने एक जगह मेंशन कर दी जो फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किए हैं। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल्स टू a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करने की तैयारी करते हैं। a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1, और माइनस साइन के बाद आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस 1। माइनस के बाद जब आप माइनस 1 लिखेंगे तो इट विल बी प्लस 1। अच्छा, ऊपर फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म बी है, यानी कि ए वन है और बी आयोटा है। तो आपको पता है इस फॉर्मूले में शुरू के दो ब्रैकेट्स में ए आता है और आखिर के दो ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म यानी कि बी आता है। अब यहां पर जेड वन बार ओवर जेड टू बार विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1 माइनस 2 इंटू 1 2 2 आयोटा 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम? आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और z1 बार ओवर z2 बार इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 आयोटा ओवर 2 यहां रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर मौजूद 2 क्योंकि आयोटा के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, इसलिए नीचे वाले 2 से क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास माइनस आयोटा आया था, आप यहां देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास माइनस आयोटा आया। तो एक बार फिर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और इस सवाल के साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।
तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर वन आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ में आया होगा, और मजीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या क्यूरीज हो तो आप उस हवाले से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।